श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जहां पर कि प्रारंभ में ही भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकमे ब्रवीत स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। और उसके परे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया तेद योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। मैंने, श्री भगवान कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य के प्रति कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मुनि ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए ये योग बहुत उत्तम रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार से भगवान इसका महत्व बताते हैं योग का। तब अर्जुन के मन में शंका जगती है, कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतवद्विजानीयाम तमादो प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इस योग को कल्प के आदि के आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? यह जो शंका है, यह शंका स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान को एक साधारण मनुष्य के रूप में लेता है और यह जो ईश्वर जब आते हैं, इतना अच्छा अभिनय करते हैं, एक नर लीला करते हैं साधारण मनुष्य के समान कि कोई पकड़ नहीं पाते। रामचंद्र जी के रूप में आए तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा मात्र 12 ऋषि उन्हें पहचान पाए, बाकी सब समझते थे दशरथ के राजा राम है। उसी प्रकार कृष्ण के रूप में आए, सब लोग यही समझते थे, वृंदावन वाले समझते थे ये तो बाल सखा है, ये गोपाल है, ये गाय चराने में बहुत माहिर है और मक्खन चुराने में भी बहुत उस्ताद है। इतना ही उनका कॉन्सेप्ट था एक श्री कृष्ण के प्रति। गोपियां कहती थी बड़ा प्रेमास्पद है, बहुत प्रेमी है, गोपियों का यही था। और राजा लोग समझते थे इसके समान डिप्लोमेट और दूसरा कोई नहीं है, आज तक तो हुआ ही नहीं डिप्लोमेट। इस प्रकार से यहाँ की बात वहां का कहेगा, वहां की बात यहाँ कहेगा, ये डिप्लोमेट के ये कॉन्सेप्ट, सामान्य मनुष्य ही उसको समझते थे सब। तो इसीलिए अर्जुन भी यही समझता है, सामान्य एक राजा है श्री कृष्ण, इनका जन्म कुछ साल पहले हुआ कंस के कारागार में, अब मेरे सारथी के रूप में है। और कहते हैं मैंने सूर्य को कहा था हजारों साल पहले, हजारों कल्प के प्रारंभ, और फिर उसने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, एक कैसी बेतुकी बात है। आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इस योग को कल के आदि में आपने कहा था, मैं कैसे जानूं? और तब श्री भगवान ने कहा, बहुरमे व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्थ परंतप अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतप उन सबको तू नहीं जानता है, पर मैं जानता हूं। मैं विनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को आधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। तो ईश्वर स्वयं अपनी प्रकृति को, माया को वशीभूत करके प्रकट होते हैं, यह हमारे समझ के बूते की बाहर की बात है। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। और ये प्रत्येक युग में जब जब ईश्वर आते हैं तब इसी प्रकार की शंका होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार की शंका अर्जुन को हुई, उसी प्रकार की शंका जब जब ईश्वर मनुष्य रूप धारण करते हैं तो यह शंका भक्तों के मन में होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिवजी और सती का जो संवाद हो रहा है, और सती जब ये राम कथा सुनती है तब उसके बाद उसके मन में वही शंका आती है जो अर्जुन के मन में आई। और फिर सती कहती है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनिह अभेद सो की देह धरी होई नर जाही न जानत वेद। ये आप क्या बात कर रहे हैं? एक बार तो बोल रहे हैं निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है,
ये रामचंद्र जी, और एक बार बोल रहे हैं वो अयोध्या के राजा हैं, इस प्रकार से उनकी पत्नी को सीता को कोई चुरा के ले गया। ये बड़ी असमंजस की बात है, क्या आप बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, विरज माने जिसमें कोई विरज अज कोई रज नहीं है, अत्यंत शुद्ध ऐसा और जो व्यापक ऐसा जो ब्रह्म, और अज जिसका जन्म नहीं हुआ और अकल जिसको जाना नहीं सकता, अनीह जो एकदम हमारे पहुंच के बाहर है, अभेद जिसमें कोई भेद नहीं हो सकता, सो की देहधरी हो नर, क्या उसी ने उसी ब्रह्म ने यह नरदेह धारण किया। जाहि न जानत वेद, जिस निरोकार निर्गुण निराकार ब्रह्म को आज तक कोई जना नहीं जान पाया। अवांग मनस गोचरम, जिसके बारे में कहा कि जो वाणी और मन से परे है, ऐसा ब्रह्म जो अजन्मा है, आपका क्या कहना उसने जन्म लिया अयोध्या में जो अजन्मा ब्रह्म, ये कैसी आप बात कर रहे, समझ में नहीं आता। और फिर संशय जाता नहीं है, शिव जी ने कहा देखो ये सब ईश्वर की बातों में संशय नहीं करना चाहिए। परंतु सती का संदेह दूर नहीं हुआ, शिव जी ने कितना समझाया कि देवी तुम इस प्रकार से संदेह मत करो, पर सती का संदेह नहीं जाता। और इसीलिए परीक्षा करने के लिए कि ये ब्रह्म ही है न राम है, गए, गई सीता जी का रूप धारण कर लिया सती जी ने, और जंगल में जहां रामचंद्र जी रो रहे थे, सीता की खोज में भटक रहे थे, हे सीते कहां हो, हे सीते कहां हो, भटक रहे हैं। और उसी समय सती सीता का रूप धारण करके आती है, उनको रामचंद्र जी को मानो धोखा देने के लिए। पर रामचंद्र जैसे उनको देखते हैं, सती आप यहां पर इस अकेले जंगल में अकेली भटक रही है, शिव जी कहां है। बिचारी सती तो मानो लाओ काटो तो खून नहीं निकले, अरे सीता जी के वेश में इन्होंने पकड़ लिया मुझे, बहुत संकोच होता है। बाद में शिव जी को जब पता पड़ा कि सती ने इस प्रकार से मेरे इष्ट रामचंद्र जी की परीक्षा की है, तो सती का त्याग कर देते हैं। यह कथा रामचरितमानस में आती है। उसके बाद में वही सीता पार्वती के रूप में जन्म लेती है। हम जानते हैं कि चिता में अपना अपने भस्मीभूत कर देती अपनी देह को, क्योंकि उनके पिता ने, दक्ष प्रजापिता ने शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था, अपमान सहन न करते हुए उन्होंने अपना देह चिता में डाल दिया, भस्म हो गई। और जब शिव जी को पता पड़ा तो तांडव नृत्य करते हैं, उस सती के टुकड़े को सती को टुकड़े को काटते हैं, और इस प्रकार से तांडव नृत्य करते हैं, और ये टुकड़े जहां जहां पृथ्वी पर पड़ते हैं वहां पर शक्तिपीठ होता है। इस प्रकार की यह मानो यह परंपरा है कि ये शक्तिपीठ जितने हैं, पावापुरी में भी एक शक्तिपीठ है माँ काली का, तो इस प्रकार से जहां जहां सती के वो छोटे दो देह के टुकड़े हुए, जहां जहां जब टुकड़े पड़े 51 जगह पर ये शक्ति के ये टुकड़े पड़े, ये सब शक्ति के महापीठ माने जाते हैं। तो यह कथा है कि सती, और फिर वही सती बाद में पार्वती के रूप में बहुत तपस्या करती है शिवजी को प्राप्त करने के लिए। कन्याकुमारी में आप जाएंगे तो कन्याकुमारी का मंदिर है, और फिर वहां पर से एक शिलाखंड है, जिस शिलाखंड पर स्वामी विवेकानंद जी ने 3 दिन 3 रात ध्यान किया था, गहरे मग ध्यान में मग्न हो गए थे, घनीभूत भारत बन गए थे, वहां पर भी बहुत बड़ा मेमोरियल बन गया है, स्मृति मंदिर बन गया है। 24-25-26 दिसंबर 1892 को स्वामी जी ने वहां ध्यान किया था, तैर करके पार कर गए थे। अभी तो इतने वह जो 3 समुद्र वहां मिलते हैं, इतना गहरा वह समुद्र, और ऐसी तरंगे इतनी भयानक रहती है कि अच्छे अच्छे तरवैये भी वहां पर उस डरते हैं उस जल में अपने शरीर को डालने के लिए या तैरने के लिए नहाने के लिए, पर स्वामी जी तो बड़े निर्भीक थे, चले गए एकदम छलांग लगाई और तैरते हुए पार करके, कितना दूर वह खड़क है, उस खड़क पर बैठ करके 3 दिन 3 रात ध्यान किया। उसी खड़क पर यदि आप विवेकानंद मेमोरियल देखने जाएंगे वहां कन्याकुमारी में, तो वहां पर वह मां पार्वती की पद चिन्हों की छाप है।
माँ पार्वती ने एक पैर पर खड़े रह करके कई वर्षों तक तपस्या की अनाहार रह करके, इसीलिए उनका दूसरा नाम हुआ अपर्णा, जिन्होंने पर्ण भी नहीं खाया, बाद में पत्ता भी नहीं खाया, अपर्णा रही। ऐसी वह पार्वती जी तपस्या करके फिर शिव जी को प्राप्त होती हैं, और फिर शिव जी फिर से पुनः रामचंद्र जी कथा सुनाते हैं। अब वही सती पार्वती हुई है, इतना उन्होंने भोग भोगा कि शिव जी ने उनको त्याग दिया था, फिर भी जब राम कथा सुनती फिर शंका आती, संशय आ जाता है। और पार्वती जी बोलती है, जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। ये जो आप कहते हैं कि ब्रह्म जो था अजर निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसी ने राम का रूप धारण किया, मनुष्य शरीर धारण किया, और नर शरीर धारण किया, यही समझ में नहीं आ रहा है। और फिर नारी विरह मति भोरी, और नारी की विरह में इतने रोए, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर, मेरी तो बुद्धि भ्रमित हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या अपनाप शनाप बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, क्या अपना शनाप बोल रहे हैं भगवान, है क्या, कहा अभी आपका जन्म, अभी उस दिन कंसागर में, आप बोलते हैं कि मैंने सूर्य को ये सब योग विद्या कही थी, संशय आ जाता है। फिर राम की ऐसी रामचंद्र जी की लीला में देखते हैं कि वह रामायण में हम देखते राम के प्रसंग आता है कि गरुड़ जी को बुलाया गया, क्यों, रामचंद्र जी को नागपाश में बांध लिया गया है। तो फिर गरुड़ जी को याद किया, गरुड़ जी तो रामचंद्र के अनन्य भक्त, और फिर गरुड़ आकर के नागपाश, वो तो नाग तो खाते ही हैं गरुड़ लोग, तो ये तो बोले तो मेरा आहार है, नागपाश से रामचंद्र जी को मुक्त करते हैं। तो रामचंद्र जी तो मुक्त हो गए, इधर गरुड़ जी खुद बंध गए, संशय में बंध गए। एक बहुत बड़ा संशय उनके मन में आया, अरे ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा कहते हैं ये राम, अब इनको छोड़ने वाला मैं, तो ये कैसे ब्रह्म, मैं साधारण एक पक्षी गरुड़, और इनको इनका बंधन छूट नहीं रहा है, इसलिए मैंने उसके बंधन को छोड़ा। तो जो सारे संसार के भवबंधन को छोड़ने वाले रहते हैं, ये क्या अपना बंधन नहीं छोड़ सकते, ये कैसा है, नहीं नहीं नहीं, ये ईश्वर नहीं हो सकते। उनके मन में शंका जागी, भवबंधन ते छूट ही नरजपी जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधेउ नागपाश सोई राम। है? जिनके कृपा से भवबंधन छूट जाता है, जिनका नाम जप करते करते लोग भवबंधन से छूट जाते हैं, ऐसे राम ये क्या ईश्वर हो सकते हैं, जिनको राक्षस लोगों ने नागपाश में बांध लिया, ये ईश्वर नहीं हो सकता। और उसी प्रकार से भरद्वाज को भी इसी प्रकार से भरद्वाज और याज्ञवल्क के बीच में यह जो संशय हो, यह जो वार्तालाप हो रहा है, उसमें भी यही संशय की बात कही गई, जहां पर कि पूछते हैं यह याज्ञवल्क, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहिव अपारा, भयव रोष रण रावण उमारा, प्रभु सोई राम की अपर कौ, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। कहते हैं भाई, एक राम तो अवधेश कुमार है, जो दशरथ राजा के दशरथ में राजा के रूप में, राजा के पुत्र के रूप में आए, अवधेश के रूप अयोध्या में अवधेश कुमार है। तिनकर चरित विदित संसारा, अब इनका चरित कौन नहीं जानता है, जो राजा दशरथ के हैं, जिन्होंने जन्म लिया अयोध्या में, अब इनका चरित्र सारा संसार जानता है, क्या इनका चरित्र है, बहुत छोटा सा चरित्र है। नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, नारी विरह में बहुत उनको दुख हुआ, नारी विरह सीता को चुचुरा के ले गए, उनकी पत्नी को चुचुरा के ले गया था, इसलिए बहुत रोए, यही तो चरित्र है उनका। भयो रोष रण रावण मारा, और इतना फिर गुस्सा आ गया कि रावण को मार डाला, जो उनकी पत्नी को चुरा गया था। प्रभु सोई राम की अपर क्यों, जाई जपत त्रिपुरारी, इधर मैं सुनता हूं कि शंकर भगवान सतत राम नाम ले रहे हैं,
तो ये राम और ये राम, ये दोनों एक है दो है, ये समझ में नहीं आ रहा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। भाई तुम्हारा, तुम तो सर्वज्ञ, जरा हमको विवेक विचार करके कहो, हमारी बुद्धि असमझ पड़ जाती, ये संशय आ जाता है। ये क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वज्ञ ऐसा, ऐसे राम, ऐसे ब्रह्म जो राम रूप में आए और इस प्रकार से रो रहे हैं, पत्नी कुछ कुछ चुरा के ले गया, रो रहे हैं, और बाद में गुस्सा आया तो रावण को मार डाला, इतने ही तो चरित है। और अवधेश में वहां पर जाकर के जन्म लिया और फिर बाद में वनवास मिला और अपनी पत्नी को भी संभाल नहीं पाए, सारे विश्व का सृजन सृजन पालन करते हैं, अपने कहते हैं वो सारे सृष्टि का, सारे विश्व की सृष्टि करते हैं, सारे विश्व का पालन करते हैं, सारे विश्व का रक्षण करते हैं, अपनी पत्नी का ही रक्षण नहीं कर पाए, उसी को कोई चुरा के ले गया और ऐसा गुस्सा आया कि रावण को मार डाला गुस्से में। यही क्या चरित है, ये क्या ईश्वर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अर्जुन को भी वही संशय आता है कि क्या आप तो साधारण सारथी हैं, मेरे सारथी हैं, कभी कल तो कंस के यहां जन्म हुआ, आप बोलते हैं कि मैं भगवान था, मैंने सूर्य को इस प्रकार से यह उपदेश दिया था, यह समझ में नहीं आता है। और इस युग में रामकृष्ण देव आए, यही बात अधिकांश भक्त लोग मानते थे, अभी भी कई लोग हमको आपको पूछते हैं, ये बड़ा विचित्र है भाई आपके यहां, हमने सुना है कि रामकृष्ण देव तो काली के भक्त थे, उनका एक ही, उनको इतना ही मालूम है, रामकृष्ण देव का जीवन तो पढ़ा नहीं, इतना बार सुना है श्री रामकृष्ण काली के परम भक्त थे बस। बोले यहां मां काली का कोई फोटो ही नहीं नजर आ रहा है। अरे जिनकी पूजा करते थे उनको तो आपने छोड़ दिया और जो पूजक थे, जो भक्त थे, उनका फोटो लगा दिया, ये कैसे आप? तो ये जो सर्व देवी देवी स्वरूप श्री रामकृष्ण साक्षात अवतार, जो राम थे जो कृष्ण थे, इस बार रामकृष्ण के रूप में आए और साधकों को सिखाने के लिए किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, वो रोए मां की व्याकुलता के कारण, मां के दर्शन पाने के लिए रोए, लोग सचमुच में उस लीला को इतना सच मान लेते हैं कि समझते सचमुच में रामकृष्ण साधारण एक भक्त थे, कामारपुकुर में एक गरीब ब्राह्मण के एक लड़के और साधारण पुजारी, और वहां के जितने लोग थे, जितने कर्मचारी थे दक्षिणेश्वर में, वो तो ये नहीं समझते थे ये साधारण ब्राह्मण, ये छोटा पुजारी, वो तो समझते थे सिर गुलमाल हो गया इसका, वो उसका नाम ही था पागल बामुन, पागल है, केवल साधारण नहीं है, पागल ब्राह्मण, ये छोटा पुजारी जो है ना एकदम पागल है, कब क्या करेगा कुछ ठिकाना नहीं। तो ये छोटा पुजारी पागल ब्राह्मण ऐसा ही समझते थे जो दक्षिणेश्वर के पुजारी, दक्षिणेश्वर के जितने कर्मयोगी कर्मचारी, तो ये जितने अधिकांश लोग रामकृष्ण देव को साधारण पुजारी या पागल पुजारी, छोटो भट्टाचार्य, ये अधिक से अधिक बहुत अच्छे भक्त हैं, बस यही मां काली के भक्त, यहां तक जानते थे। पर यही रामकृष्ण देव ने बाद में राम का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया, 12 वर्ष तक कितने प्रकार की साधना की, इस्लाम धर्म की साधना की, ईसाई धर्म की साधना, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं। इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने जो स्वरूप दिखाया और प्रकट हुए, 1 जनवरी को कल्पतरु दिन पर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट किया, ये कोई नहीं जानता। इतना सब, अरे बाकी सबकी क्या बात कहें, उनके निकट तब शिष्य स्वामी विवेकानंद, इनका भी आखिर तक संशय रहा, अरे केवल गिरीश चंद्र घोष ये एकदम मानते थे 16 आना, कि 16 आना नहीं 16.25 आना मानते थे कि ये ईश्वर के अवतार हैं, बस कहते कोई मेरे साथ आ जाए बात करने के लिए, कोई मेरे साथ तर्क करे मैं उसको हरा दूंगा, ये साक्षात ईश्वर के अवतार है। भैरवी ब्राह्मणी ने सिद्ध कर दिया पंडितों के साथ वार्तालाप करके, वाद विवाद करके, नहीं ये ईश्वर के अवतार हैं। परंतु ऐसे 2-4 कुछ पंडित थे, ऐसे लोग जो मानने, बाद में मानने को विवश हुए कि श्री रामकृष्ण ईश्वर के अवतार हैं केवल भक्त नहीं, इनकी बात छोड़ दीजिए, अधिकांश लोग श्री रामकृष्ण को साधारण मनुष्य समझते थे या पागल ब्राह्मण समझते थे या पागल पुजारी समझते थे। आज भी करोड़ लोग
रामकृष्ण को एक साधारण पुजारी या भक्त मानते हैं, उतना ही, या कोई कोई कहते संत थे, ऐसे संत थे कि जिसको केशव चंद्र सेन आके प्रणाम करते थे, इतना ही बस। परंतु ये जो साक्षात ईश्वर के अवतार जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार रामकृष्ण रूप में आए, ये बहुत लोग अभी उसकी धारणा ही नहीं है। वे सर्व देवी देवी स्वरूप है, धारणा ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद के निकटतम इनके मन में भी भयंकर संशय आता है, जब वो नरलीला इतना अच्छा करते, इतना अच्छा अभिनय करते हैं ईश्वर, अब उनको एक्टिंग में कौन पार पाएगा, इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, इतना अच्छा अभिनय करते हैं कि सभी लोग वे इस अभिनय के कारण वे भूल जाते हैं और वे मानो भ्रमित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। स्वामी विवेकानंद उस समय विद्यार्थी अवस्था में थे और श्री रामकृष्ण को लाया गया वहां पर काशीपुर उद्यान बाटी में, और वहां पर भी वही देखा, श्री रामकृष्ण बहुत उनको पीड़ा हो रही है, गले में कैंसर हो गया है। उस समय उनकी उस दयनीय स्थिति को देख करके स्वामी विवेकानंद के मन में संशय आ गया, जैसा अर्जुन के मन में आया था, सीता सती के मन में आया था, पार्वती के मन में आया था। हाँ, लोग कहते ईश्वर का अवतार है, ईश्वर के अवतार की यह स्थिति, सर्वशक्तिमान ईश्वर अभी रो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, अपने दर्द को सहन नहीं कर पा रहा है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं, गले में कैंसर हुआ है, अपना दर्द भी ठुक नहीं कर सक रहा है, इतना ही नहीं गले में दर्द है इसके कारण वह कष्ट पा रहा है, ये क्या ईश्वर हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, उनके मन ने कहा कभी नहीं हो सकते, भयंकर संशय आ गया। और अचानक उनके मन में विचार आया, इतना जब उनको दर्द है, ऐसी अवस्था में यदि वो स्वयं अपने मुंह से स्वीकार करें कि हाँ मैं ईश्वर का अवतार हूं, तब तो मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अभी तो आश्चर्य की बात है, यह विचार उनके मन में आया कि श्री रामकृष्ण उनकी ओर देखकर, नरेन अभी भी अविश्वास है, अभी भी अविश्वास है, अरे जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं रे, पर तेरे वेदांत के मत से नहीं, वेदांत के मत से सभी ब्रह्म है, नहीं, जो राम थे, जो कृष्ण थे, विशेष रूप से नर शरीर धारण किया था उस ब्रह्म ने, मैं भी वही राम, जो वही कृष्ण, मैं भी वही ईश्वर का अवतार हूं। यह उन्होंने 16 अगस्त 1886 को उन्होंने जब महासमाधि ली, उसके दो दिन पहले मानो यह पर्दा फर्श कर दिया, और तब स्वामी विवेकानंद चरण पकड़ लेते हैं श्री रामकृष्ण देव का, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मेरा मन बड़ा पाजी है, बारंबार संशय आ जाता है, और आपकी लीला पर संशय आ जाता है, और इस प्रकार से आपका परीक्षण करने की इच्छा मुझे हो जाती है, मुझे माफ कर दीजिए। पर इस प्रकार से बार बार स्वामी विवेकानंद ने परीक्षण की, विविध प्रकार से श्री रामकृष्ण की परीक्षा की, बाद में उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, अंतिम दिन तक परीक्षा करते रहे। तब उन्होंने श्री रामकृष्ण के बारे में कहा, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय तेन, ऐसे ही नहीं कहा, अनुभूति के बल पर उन्होंने स्वयं ने अनुभूति की। तो यह जो ईश्वर आते हैं, इस प्रकार का संशय होना स्वाभाविक है, और आकर के क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्म से तदात्मानम सुजामे हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से मैं आता हूं और इस प्रकार से बारंबार पृथ्वी पर जन्म लेता हूं, क्यों, जब जब धर्म की हानि होती है, बहुत ईश्वर के अवतार, अवतार योग अपने आप में एक अवतार योग, एक बहुत बड़ा योग है, भगवद गीता में एक नया योग हमें मिलता है अवतार योग के रूप में, और यह जो अवतार तत्व है अत्यंत कठिन है समझने में, बड़ा ही कठिन, और वह साधना सापेक्ष है, बुद्धि सापेक्ष नहीं है, हम कितनी भी बुद्धि लगाएं, तर्क करें, उससे यह समझने में आने वाली बात नहीं, फिर भी जितना हो सके हम बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे उस अवतार तत्व को, इस अवतार लीला को, इस अवतार योग को, जिसकी चर्चा श्री भगवद गीता में, श्रीमद भगवद गीता में कही गई। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, तब तब धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए, दुर्जनों के संहार के लिए और सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए मैं बारंबार अवतार लेता हूं। और रामचरितमानस में
ठीक यही बात कही गई, मानो एकदम जो गीता में कहा गया उसी प्रकार से बात कि कब ईश्वर का अवतार होता है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरही कृपानिधि सज्जन पीरा। एक बिल्कुल ठीक यही बात रामचरितमानस में कही गई, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती, धर्म में हानि होती यानी धर्म का नाश होता है, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और जब बहुत असुर लोग सब बहुत बढ़ जाते हैं, अभिमानी और अधम अभिमानी, ये इनकी तादाद जब बहुत बढ़ जाती है, संख्या में बढ़ जाते हैं और अच्छे लोग बहुत कम रह जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, ऐसी अनीति करते हैं, ऐसा अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, सीधे विप्र धेनुसुर धरनी, ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, अच्छे लोगों पर अत्याचार होता है, धेनुसुर धरनी गायों पर अत्याचार होता है, पृथ्वी पर अत्याचार होता है, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब प्रभु विविध रूप से नर धारण कर, नर शरीर धारण करते हैं, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, असज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। इस प्रकार से जो बात भगवद गीता में कही गई ठीक वही बात रामचरितमानस में कही गई, ठीक वही बात श्रीमद् भागवत में भी आती है। तो विविध प्रकार से, विविध कारणों से भगवान का आविर्भाव होता है पृथ्वी पर यह एक मुख्य कारण कहा गया, जब जब पृथ्वी पर बहुत अनाचार बढ़ जाता है और धरती पर बहुत प्रकार से मानो धरती सहन करने में असमर्थ हो जाती है ऐसे पापों का भार, तब पृथ्वी जाकर श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही ये बात आती है कि इस प्रकार से पृथ्वी इतनी भार से जब हो जाती तब जाकर के वह मानो रोती हुई कहती कि अब मुझसे भार सहा नहीं जाता, और इस प्रकार से ईश्वर का आविर्भाव होता है। करुणा सागर स्वयं ईश्वर आते हैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, जो पापों का भार हो गया, दुर्जनों का संहार करने के लिए, सज्जनों की पीड़ा को हरण करने के लिए, और फिर वे ही जो राम थे आते हैं, रावण कुंभकर्ण ये जितने राक्षस थे, बहुत प्रकार से इन्होंने इतना अधिक नानाचार फैलाया था, देवताओं को बंदी कर दिया था, जितने सज्जन लोग बेचारे बहुत दुखी थे और चारों ओर अनाचार ही अनाचार था, तो रावण कुंभकर्ण मेघनाद मानो इन्होंने एकदम आतंक मचा के रखा था, बहुत बड़े बड़े आतंकवादी थे ये, भयंकर आतंकवादी, सारे विश्व में आतंक मचा करके रख दिया था, अभी के आतंकवादी उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसे वो आतंकवादी थे। और फिर उनका वध करते हैं श्री रामचंद्र, किस प्रकार से वध करते हैं यही सारे रामायण की यही कथा है। और वे ही फिर से महाभारत युग में हम देखते हैं कंस ने कितना अत्याचार किया था, कितने लोगों को, राजाओं को बंदी करके रख दिया था, कितनी कितनी कन्याओं को बंदी करके रखा था, इन सब को छुड़ाते जेल में से, अपने पिताजी को भी उन्होंने, उस कंस ने पिताजी को भी कैद में रख दिया था, उसको भी छुड़ाते हैं, 16,000 कन्याओं को छुड़ाते हैं जो कैद खाने में व्यस्त थी, कितने सज्जन लोग सब कैद खाने में थे उनको छुड़ाते हैं, कितना अत्याचार होता है उस कंस का वे वध करते हैं, और फिर शिशुपाल दंतवक्त्र इनका वध करते हैं, 100 बार शिशुपाल का वे शिशुपाल को क्षमा करते हैं क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था उसकी माँ को, बहन को, कि देखो बहन ने कहा था, उनको पहले से मालूम था यह सारे कुल का नाश करेगा, बहुत उनको समझाया गया कि इसका नाश कर दो पर नहीं मानी, और फिर उसके सामने से कहा कि ऐसा आशीर्वाद वचन को वचन दो कि उस कि वह उसके भूलों को क्षमा कर देना, उसका उद्धार हो। तब श्री कृष्ण भगवान ने वचन दिया था 100 अपराधों को क्षमा करूंगा, 100 अपराध, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 अपराध में क्षमा करूंगा, तू चिंता क्यों कर। और ठीक जब 100 अपराध पूरे हुए उसके बाद में सुदर्शन चक्र चलाया श्री कृष्ण भगवान ने और सिर काटा शिशुपाल का, शिशुपाल दंतवक्त दुशासन, ये लोग कितने, ये भी आतंकवादी, कितने आतंकवादी, इनका नाश किया कृष्ण भगवान ने।
हमारे इस युग में तो समस्या बहुत थी। ये आधुनिक युग की जो समस्याएं इतनी जटिल थी, एक दो नहीं बहुत सारे राक्षस, पर ये मनुष्य रूपी राक्षस नहीं, ये थे संशय रूपी राक्षस। क्यों? विज्ञान का युग आ गया 16वीं शताब्दी से और साइंस ने सब प्रमाणित कर दिया कि जितने ये बाइबल में कहा वो धर्मशास्त्र में कहा सब ढकोसलाबाजी है। क्या चंद्र की माँ की बात करते हो, कुरान में कहते कि चंद्रमा ये दो, अरे चंद्रमा पर हम जा करके आ गए, खुद जा करके आ गए चंद्रमा की धरती पर, और तुम लोग इस प्रकार की बातें करते हो। सब सारा धर्म को उन्होंने ध्वस्त कर दिया विज्ञान ने, और सभी वैज्ञानिकों ने कहा कि अब धर्म को विदाई दे दो, अलविदा, गुड बाय। ऐसा पश्चिम के देशों में हुआ और सभी लोग मानने लगे कि धर्म और विज्ञान ये नॉर्थ देशों के माध्यम से हमारे यहां भी वो धर्म और विज्ञान के बीच की खाई आई, और इस प्रकार से अत्याचार आक्रमण शुरू हुए, और पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता और पाश्चात्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी, इनका आक्रमण धर्म पर हुआ। आध्यात्मिकता को अलविदा करने की बात थी, और यदि आध्यात्मिकता चली जाती संसार से तो मात्र पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता, पाश्चात्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी, और उसके कारण सर्वनाश हो जाता सारे मनुष्य जाति का, सर्व समस्त प्रकार से सर्वनाश होता। यह होना अवश्यम भावी जब बन गया तब यह आवश्यक था कि पुनः धर्म को विज्ञान के उस परीक्षा के दौर में से गुजारा जाए, धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की जाए, धर्म की भावना की पुनः प्रतिष्ठा की जाए, जो विश्वास है जो आस्था है उस आस्था को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए, और फिर पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता, इस प्रकार के कई राक्षस थे, इन राक्षसों का वध करना अति आवश्यक हो गया था। और जैसा कि हमने पहले कहा कि उसी समय यह जो मॉडर्न जो हमारा आधुनिक आतंकवादी लॉर्ड मैकॉले ने यह सोचा कि सारे विश्व में आध्यात्मिकता यह भारत का मानो भारत की देन है, भारत में से यदि धर्म चला जाए, आध्यात्मिकता चली जाए, तब तो हम भारत पर राज्य कर पाएंगे, नहीं तो राज्य नहीं कर पाएंगे, यहाँ का प्राण केंद्र है। उस धर्म की भावनाओं को सभी भारतीय लोगों के मन में से नेस्त नाबूद करने के लिए उसने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा कि हम किसी भी प्रकार से भारत में राज्य नहीं प्राप्त कर सकेंगे, अच्छी प्रकार से राज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उन पर हावी नहीं हो सकेंगे जब तक कि उनके धर्म पर कुठाराघात नहीं होगा, जब तक उनके धर्म के प्रति की भावना है, भावना पर कुठाराघात कर सकते हैं, उनकी धर्म भावना यदि नेस्त नाबूद हो जाएगी तभी हम लोग उन पर राज्य कर पाएंगे। और इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी 1836 में लाने का प्रस्ताव किया गया, और फिर उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया, और 1836 में लॉर्ड मैकॉले ने वह दाखिल कर दी। और यह बात जब ईश्वर को पता पड़ा, ईश्वर तक पहुंची, तब उन्होंने सोचा अब डिले करने से नहीं चलेगा। क्यों? यदि सचमुच में यह प्रणाली के अनुसार सभी लोगों ने इस प्रकार से यह शिक्षा प्रणाली प्राप्त की, तो जैसा कि लॉर्ड मैकॉले 1839 में कहा था अपने पिताजी को पत्र में, इतना अच्छा रिजल्ट उसे मिलना शुरू हो गया 3 साल में, कहता है नो हिंदू हैज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेंस अटैच्ड टू हिज रिलीजन। कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जिसको इस प्रकार से इस हमारी इस नई शिक्षा पद्धति में दाखिल हुआ हो और अपने धर्म के प्रति आस्था बनाए रखा हो। इस प्रकार से यह एक बहुत बड़ा संकट केवल भारत पर नहीं, सारे विश्व पर। क्यों? यदि भारत से धर्म विदाई लेता है, आध्यात्मिकता विदाई लेती है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रत्येक देश का एक एक कंट्रीब्यूशन रहता है सारे विश्व के, इस सारे विश्व में, विश्व के कल्याण में, सारे विश्व के चलाने में सभी देशों का थोड़ा थोड़ा अपना अपना एक अभिनव प्रदान है। भारत का प्रदान रहा है आध्यात्मिकता एवं संस्कृति, और उसी संस्कृति और आध्यात्मिकता के कारण जिस प्रकार से ग्रीस देश में है, वहाँ का सौंदर्य का भाव, वहाँ की कला, यह मानो ग्रीस देश की देन थी।
इसी प्रकार से किसी देश की देन है वहां की राजनीति, किसी देश की देन है वहां की आर्थिक आर्थिक नीति या उनकी संपन्नता, परंतु भारत की देन रही आध्यात्मिकता। यदि भारत से आध्यात्मिकता चली जाती है तो सारे विश्व का अकल्याण होगा, सारे विश्व का नाश हो जाएगा, सारे विश्व में से अच्छाई चली जाएगी और यह जो आसुरी तत्व वे हावी हो जाएंगे और जो सज्जन हैं, जो सत्यनिष्ठ हैं, उन पर ये हावी तत्व हावी हो जाएंगे और उन पर बहुत बड़ा संकट आएगा। यह ईश्वर को जब पता लगा तुरंत उन्होंने सोचा अब ज्यादा विलंब करने से नहीं होगा, तुरंत उन्होंने ईश्वर यहां पर अवतार ग्रहण किया, जैसा कि कृष्ण भगवान ने कहा था यदा इदाहि धर्मस्य, उन्होंने जो वचन दिया था पालन करने के लिए, हमारे इस युग में आते हैं श्री राम कृष्ण देव और यहां पर तुरंत अवतार ग्रहण करते हैं, मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं और वहां कामार पुकुर में खुदी राम चट्टोपाध्याय इनके यहां वे जन्म लेते हैं कामार पुकुर में। इसके पहले जब उन्होंने सोचा कि इस बार की समस्याएं बड़ी विकट समस्याएं हैं और इस प्रकार के शत्रु एक दो नहीं अत्यंत विकट है, कई आतंकवादी हैं और यह जो आतंकवादी ये केवल मनुष्य के रूप में नहीं है, विचारधारा के रूप में जो राक्षस हैं, चाहे वह धर्मांधता रूपी राक्षस हो, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता रूपी राक्षस हो, उपभोक्तावाद रूपी राक्षस हो, संशय रूपी राक्षस हो, विज्ञान टेक्नोलॉजी के प्रभाव के कारण जो संशय है उसके वह संशय रूपी राक्षस हो, इन सब राक्षसों का, इन सब आसुरी तत्वों का, इन सब विचारधाराओं का, उधर काल मार्क्स की विचारधारा जिसको जो कि कहता था कि अब धर्म वो तो अफीम है मनुष्यों के लिए, उसका तुरंत तिलांजलि, उसको तुरंत तिलांजलि देनी पड़ेगी, ये धर्म जो है उस अफीम से ही ये सब हमारी दुर्दशा हुई है, इस प्रकार से यह जो बातें होती थी और तब किस प्रकार से ईश्वर अवतार ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार वे अकेले नहीं आते, अपने आप को तीन भागों में विभक्त करते हैं, तीन अलग विविध रूप में वे पृथ्वी पर आते हैं और विशेष प्रकार की लीला करते हैं। किस प्रकार से वे आते हैं और तीनों विविध रूप में आकर के किस प्रकार से वे इन सभी राक्षसों का वध करते हैं, संशय राक्षस का वध करते हैं, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता रूपी राक्षस का वध करते हैं, उपभोक्ता वाद रूपी राक्षस का वध करते हैं, धर्मांधता रूपी सांप्रदायिकता रूपी राक्षस का वध करते हैं, और जो अत्याचार हो रहे थे नारियों पर विशेष करके अत्याचार हो रहे थे, निम्न वर्ण के लोगों पर जो विशेष रूप से अत्याचार 1000 साल से हो रहे थे, जिसके कारण कि हमारा देश गुलाम हो गया। स्वामी विवेकानंद को पूछा गया था अमेरिका में, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने वेदांत की बात बहुत बड़ी डिंग हाँकते हैं, बहुत बड़ी बात करते कि हमारा वेदांत का दर्शन इतना महान है, तो फिर क्यों आपका देश गुलाम है, क्यों 1000 साल से आपके देश में इस प्रकार से वो पिछड़ा हुआ देश है, यदि आपकी फिलोसफी इतनी महान है तो आपका देश इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, क्यों आपका देश गुलाम है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं मानता हूं कि हमें हमारा देश गुलाम है, मैं मानता हूं कि हम पिछले 1000 साल से हमारे देश में अंधकार है और उसका कारण हमारे वेदांत का दर्शन नहीं, मैं पहले यही मानता था, हमारा धर्म उसके जिम्मेदार है, पर नहीं, मैंने स्वयं अब अनुभव कर लिया, अनुभूति कर ली, उसके लिए हमारा धर्म जिम्मेदार नहीं, उसके लिए हमारा वेदांत का दर्शन जिम्मेदार नहीं है, परंतु उस वेदांत के ज्ञान को हमने अपने व्यावहारिक जीवन में लाना जब बंद कर दिया तब से हमारी अवनति प्रारंभ हो गई। जब तक इस वेदांत के ज्ञान को हम दैनंदिक जीवन व्यवहार में अपनाते थे तब यह देश महान था, प्रत्येक क्षेत्र में महान था, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में, कला कौशल में, शिल्पकला में, संगीत में, कहानी लेखन में, इकोनॉमिक्स में, आर्थिक क्षेत्र में तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, सांस्कृतिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में यह देश महान, विज्ञान टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स उस समय सभी जितने जितने बड़े, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे अलजेब्रा हो, ये सब की खोज भारत में हुई। दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम जिसके ऊपर सारे कंप्यूटर चलते हैं, ये दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम ये भारत की देन है। भारत में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए,
विज्ञान टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर स्कल्पचर म्यूजिक आर्ट ये सभी क्षेत्रों में भारत नंबर एक था जब तक हमने उस वेदांत के दर्शन को अपनाया था। पर जब हमने वेदांत को अपने जीवन में से दूर कर दिया तब यह अवनति प्रारंभ हुई। स्वामी विवेकानंद अपनी नजर से देखा था अपने खुद अनुभव किया था। यहां पर जब आए थे बड़ौदा में 1892 में अप्रैल महीने में गुजरात का पूरा दौरा किया। सबसे पहले कलकत्ता से निकले बनारस गए, बनारस वाराणसी, फिर वहां से उत्तराखंड गए, वहां हिमालय की थोड़ी सी यात्रा की, उसके बाद में वे आए राजस्थान, राजस्थान से वे आए अहमदाबाद, खेतड़ी से जयपुर होते हुए अजमेर होते हुए आए अहमदाबाद, फिर वहां से उनकी गुजरात यात्रा प्रारंभ हुई और फिर अहमदाबाद से लिमडी वढ़वाण जूनागढ़ पोरबंदर द्वारका सोमनाथ भावनगर पालीताणा ये सब इन्होंने सब उन सब की परिक्रमा करके अंत में आए बड़ौदा। 26 अप्रैल 1892 को उन्होंने बड़ौदा छोड़ा, गए यहां से बंबई। अपने पत्र में लिखते हैं हरिदास वी आर देसाई जो जूनागढ़ के दीवान थे उनको उन्होंने लिखा कि आपके मित्र हरि मणिभाई जश भाई जो दीवान जी यहां पर रहते थे इस दिलाराम बंगलों में उसके बारे में कहा कि उन्होंने मेरी बहुत अच्छी आवभगत की और मैं उनसे दो बार इस बीच मिला, मैंने रवि वर्मा के सब पिक्चर देख लिए हैं पेंटिंग्स देख ली, अब आज मैं बंबई जाने के लिए रवाना हो रहा हूँ। 26 अप्रैल 1892 को उन्होंने पत्र लिखा, गए बंबई, बंबई से गए महाबलेश्वर, महाबलेश्वर लिमडी महाराज के साथ पुनः 1.5 महीना रहे और फिर वहां से और भी दक्षिण गए और वहां से त्रिवेंद्रम दक्षिण प्रांत होते हुए बेलगाम गए, बेलगाम में रहे, बेलगाम में जिस स्थान पर रहते वो भी अब मेमोरियल बन गया, बेलगाम गए, बेलगांव से और कर्नाटका का बाद में गए, वहां से केरला मलबार प्रांत में और फिर वहां से वे चले गए त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी, वहां पर 3 दिन 3 रात तक उन्होंने ध्यान किया, फिर उन्होंने निश्चय किया मैं समुद्र पार जाऊंगा और वहां विश्व धर्म सभा भाग लेने का उन्होंने निश्चय किया, फिर वापस आए जब और फिर बंबई से वो जहाज के लिए रवाना हुए शिकागो के लिए 31 मई 1892 को। परंतु यह जो अप्रैल में यहां से आए थे तो यहां से गए थे बंबई, उसके बाद दक्षिण भारत जब जा रहे थे खास करके मलबार प्रांत में वहां उन्होंने विचित्र बात देखी। एक निम्न जाति का निम्न वर्ण का एक लोग एक मनुष्य जा रहा था और कुछ कुछ बजाते हुए जा रहा था और कह रहा था बहुत जोर जोर से अपनी भाषा में बहुत जोर जोर से कुछ चिल्लाता हुआ जा रहा था। बड़ा विचित्र लगा उनको इस प्रकार से चिल्ला रहा है अपनी भाषा में, ये क्या बात है। तो उन्होंने किसी को पूछा कि भाई क्या बात है ऐसे चिल्लाता हुआ क्यों जा रहा है रास्ते पर से। बोले स्वामी जी वह अछूत है, वह अछूत है, निम्न वर्ण का है और हमारे यहां इस समाज में ऐसा रिवाज है कि अछूत की परछाई यदि किसी पर पड़ जाए, केवल परछाई मनुष्य नहीं उसकी परछाई यदि पड़ जाए तो फिर वो भ्रष्ट हो जाता है, उसे फिर स्नान करना पड़ेगा, उसे पुनः धर्म का पूरा संस्कार लेना पड़ेगा और इसके कारण बाकी सब लोगों को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए यहां नियम है कोई भी निम्न वर्ण का मनुष्य रास्ते पर से जाता है तो उसको पुकारना पड़ेगा, मैं अछूत हूं, मेरी परछाई आप पर न लगे, इसका आप ध्यान रखिए, इस प्रकार से उसको पुकारना पड़ता है अपनी भाषा में, मैं अछूत हूं आप लोग यहां पर मेरी परछाई आप पर न पड़े इसका आप ध्यान रखिए, ऐसा पुकारता हो जाता है। स्वामी जी आंख में से आंसू निकल गए, अरे मनुष्य तो यहां तक गिर सकता है, इतना गिर सकता है, कहां तो हमारे वेदांत में कहा गया त्वम स्त्री त्वम कुमार, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत्वा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखा। हे प्रभु तुम्ही स्त्री हो, तुम्ही पुरुष हो, तुम्ही कुमार हो, तुम्ही कुमारी हो, तुम्ही वो वृद्ध हो जो लाठी के सहारे चलता है और व्यवहार में हमने क्या किया, दुरम अप्सर रे चांडाल, चांडाल तू दूर हट जा, तेरी परछाई मेरे पर नहीं पड़नी चाहिए। वेदांत के धर्म को हमने केवल हांडियों में रख दिया, इस हांडी को छूने से, इस हंडी को छूने से रसोई घर में यदि किसी को किसी ने छू दिया तो कितनी बार स्नान करना पड़ेगा,
कितनी बार धर्म विधि करनी पड़ेगी, उससे कितना उपवास करना पड़ेगा, उससे कितना पाप बढ़ेगा, इसको छूने से क्या होगा, उसको छूने से क्या होगा, ये रसोई घर में इसको छूने से क्या होगा, बाएं हाथ से खाना पड़ेगा दाहिने हाथ से। श्री स्वामी जी ने कहा हमारा सारा धर्म हंडी में आकर के बैठ गया, रसोई घर की हंडी में, कि कितना किसको छूने से क्या मिलेगा, किसको छूने से क्या पाप होगा, किसको नहीं छूने से क्या मिलेगा, और बाएं हाथ से खाना दाहिने हाथ से खाना, पूरा हमारा धर्म इसी पर घंटों तक, दिनों तक, वर्षों तक, महीनों तक चर्चा चलती, आज भी है। उत्तराखंड की यात्रा में गया तो सब साधु लोग, इतने सारे साधु लोग थे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? यह जो लंका में जा रहे हैं, वहां लंका नाम की जगह है, लंका नाम की जगह आती है जब आप केदार में जाते हैं तो उसके पहले लंका नाम की जगह, तो यह जो लंका है वो वही लंका है और आज भी वहां रावण रहता है, तो रावण आज भी रहता है, उसका वध कर दिया पर फिर भी बटा अभी भी रहता है। ऐसी सब चर्चा, विस्तार से चर्चा चल रही है सब साधुओं के बीच में, वो इस लंका को वही लंका मान रहे, श्रीलंका, यहां लंका जो है उत्तराखंड की या लंका को ही बोलते, यहीं पर रामचंद्र जी आए थे। और इतने सारे साधु सब बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, क्या, कि यदि हम लोग को किस प्रकार से रास्ते से जाना पड़ेगा ताकि वैतरणी पार न करना पड़े, तो कैसा करके घूमते हुए सब जाना पड़ेगा ताकि वैतरणी यदि पार करेंगे तो फिर हमको पाप लगेगा, इसी में सारा जीवन, और इसको छूने से कितना पाप लगेगा, उसको छूने से क्या पाप लगेगा, इसी सब चर्चा में सारा दिन निमग्न है, यही उनके चर्चा का विषय आज भी, अभी 10 साल पहले की बात है। और उस समय तो स्वामी जी के समय में तो क्या हालत रही होगी, ऐसी भयंकर हालत, स्वामी जी के आंख में आंसू निकल गए, क्या हम लोगों ने इस वेदांत, जिस देश में वेदांत की फिलॉसफी जो कहती है कि सभी में एक ही ब्रह्म विराजमान है, चाहे उच्च वर्ण का हो, चाहे निम्न वर्ण का हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे गरीब हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वही अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है, वही एक आत्मा विराजमान है, कहां तो हमारी वेदांत की हाईएस्ट फिलोसॉफी और कहां हमारा युद्ध। इसीलिए स्वामी जी कहते थे नो रिलीजन ऑन दिस अर्थ हैज प्रीच्ड सच हाई एंड लॉफ्टी आइडियल्स इन द होल वर्ल्ड, सारे विश्व में किसी धर्म ने दर्शन शास्त्र के इतने महान से महान सिद्धांतों की चर्चा नहीं की है, एंड नो रिलीजन ऑन अर्थ हैज टॉर्चर्ड इट्स लोअर कास्ट पीपल ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी में हिंदू धर्म के समान किसी धर्म ने अपने खुद के धर्म के लोगों को इतना कचड़ा नहीं है जितना किसी धर्म ने लोगों ने कचड़ा, निम्न वर्ण के लोगों पर इतना अत्याचार किया। इसीलिए स्वामी जी को जब प्रश्न पूछा गया अमेरिका में कि क्या बहुत बड़ी बड़ी आप शेखी हाँकते हैं और बहुत बड़ी डिंग हाँकते हैं, हमारा धर्म इतना महान, हमारी वेदांत फिलोसफी इतना महान, हमारा वेदांत दर्शन इतना महान है, वेदांत के अमृत की बात कहते हैं, तो फिर क्यों आपका देश पिछड़ गया? स्वामी जी कहते स्वीकार करते हैं, हाँ मेरा देश पिछड़ गया, मेरे देश में 1000 साल की गुलामी होगी, पर इसका कारण हमारा वेदांत, हमारी वेदांत की फिलोसफी नहीं है, वेदांत की फिलोसफी तो बहुत अधिक महान है, उसका कारण यही है, जब से हमने इस वेदांत के दर्शन को रसोई घर में बंद कर दिया, हंडी में रख दिया, छुआछूत में रख दिया हमारे इस धर्म को, तब से हमारे देश की अवनति प्रारंभ हुई। और इसीलिए उन्होंने कहा हमारे देश में हमने दो महान पाप किए, उस पाप की सजा के रूप में हमें 1000 साल की गुलामी भोगनी पड़ी। कौन कौन से 2 महान पाप किए? 1, निम्न वर्ण के लोगों पर हमारे अत्याचार, निम्न वर्ण के लोगों की उपेक्षा। आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जहां पे निम्न वर्ण के लोग दाखिल नहीं हो सकते, आज भी कई ऐसे मंदिर हैं, ये ब्राह्मणों के अत्याचार, पुरोहितों के अत्याचार, धर्म के ठेकेदारों के अत्याचार, ये आप भी किया, इस हिंदू धर्म ने ऐसे अत्याचार किए हैं और भुला दिया वेदांत के शास्त्र को। और दूसरा है हमारी नारी जाति पर अत्याचार, ये 2 जो महान पाप हमारे देश में हुए, उसकी सजा के फल के रूप में हमको 1000 साल की गुलामी भोगनी पड़ी। अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़े ऑफिसर मिले अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर, और बड़े शेखी मार रहे थे कि आप लोग हिंदू धर्म का तो पालन करते नहीं और आपको हिंदू धर्म को ठीक समझना पड़ेगा। तब मैंने यही कहा
कि स्वामी विवेकानंद जिस हिंदू धर्म को मानते थे उस हिंदू धर्म को हम लोग मानते हैं। स्वामी जी ने कहा मैं उस धर्म में विश्वास नहीं करता जो विधवा के आंसू न पोंछता हो और जो गरीबों के मुख में टुकड़ा ना दे सके रोटी का। मैं उस धर्म में विश्वास नहीं करता जो निम्न वर्ण के लोगों पर इतना अत्याचार करता है। मैं उस हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करता जो अपनी नारी जाति पर इतना अत्याचार करता है। स्वामी जी तो क्रांतिकारी थे, हम उस क्रांतिकारी सन्यासी के हम लोग फॉलोअर हैं, उस हिंदू धर्म के फॉलोअर नहीं है। और कहा कि स्वामी जी तो शिकागो धर्मसभा में हिंदू धर्म का प्रचार करने गए थे और आप लोग हिंदू धर्म के कहते कि हम हिंदू नहीं है। पहले हम तो हिंदू नहीं है, ऐसे हिंदू नहीं है, स्वामी जी ने खुद ने कहा था मैं हिंदू नहीं। और ये भी आप सुन लीजिए, कई लोगों को पता नहीं है कि स्वामी जी वहां पर हिंदू धर्म का प्रचार करने नहीं गए थे। पहली बात, वो गए थे हमारे देश के गरीबों के लिए कुछ पैसा लाने ताकि यहाँ की गरीबी दूर हो, एक। दूसरा, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए थे, कई लोगों को पता ही नहीं है, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए थे। हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म के प्रतिनिधि रूप में भेजा नहीं था। स्वामी जी गए थे पौंडीचेरी, मद्रास से गए थे पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में बहुत बड़ी सभा थी, बड़े बड़े दिग्गज पंडित थे। उस सभा में स्वामी जी ने विचार प्रस्तुत किया कि शिकागो विश्व धर्म सभा में सभा हो रही है तो वहां पर मैं चाहता हूं मैं हिंदू धर्म का वहां पर हिंदू धर्म का प्रचार करने जाऊंगा, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में हिंदू धर्म के लिए ऊपर मैं बोलने के लिए जाना चाहता हूं। ये जो बड़े बड़े पंडित थे उनकी चुटैया बहुत बड़ी बड़ी चुटैया थी, ये सब साथ में बैठे थे और अपनी चुटैया को हिलाते गए, कदापि न कदापि न कदापि न, इतना जोर जोर से उन्होंने सिर हिलाया अपनी चुटैया को हिलाते हुए, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। समझे क्यों मैं नहीं जा सकता, हिंदू धर्म का प्रचार करने में क्यों अमेरिका नहीं जा सकता? तो उन्होंने कहा अरे तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें करते हो, मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, तुम वहां जा के हो रहे हो, बोले हिंदू धर्म का प्रचार करने। अरे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो समुद्र पार करता है वो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, पर तुम तो जब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो तुम हिंदू नहीं रहोगे, हिंदू जब नहीं रहोगे तो हिंदू धर्म का कैसे प्रचार करोगे? इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आती है? स्वामी जी ने कहा मैं जरूर जाऊंगा। हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए, हिंदू धर्म के तथा कथित उन पुरोहितों ने, जो ब्राह्मण लोगों ने या उन तथाकथित पुरोहितों ने, हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म के प्रचार के लिए शिकागो धर्मसभा में नहीं भेजा था, उनके लिए पास कोई परिचय पत्र नहीं था। ऐसे ही स्वामी जी गए थे, जब लोगों ने पंडितों ने कहा आप नहीं जा सकते, कदापि नहीं जा सकते, स्वामी जी का मैं जरूर जाऊंगा। और फिर हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने स्वामी जी को नहीं भेजा, भारत के भगवान ने भेजा, जिन्होंने जन्म लिया था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा बार बार मैं अवतार लेता हूं धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, उन भगवान ने, उस ईश्वर ने स्वामी विवेकानंद को भेजा उस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, सारे विश्व में सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सारे विश्व की आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए, वो भी अपने आप में बड़ी। और स्वामी जी के पास कोई परिचय पत्र नहीं था, वो तो आकस्मिक रूप से वहां पर बॉस्टन में उनकी मुलाकात होती है, वहां पर के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन प्रोफेसर से जब मुलाकात होगी, प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से मुलाकात हुई, तब वे उनकी विद्वता से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा स्वामी जी आप इतने विद्वान हैं, आपके पास इतना बड़ा ज्ञान है, आपको तो विश्व धर्म सभा में भाग लेने जाना चाहिए। स्वामी जी का भैया मैं आया था उसी लिए, विश्व धर्म सभा भाग लेने तो मैं आया था, पर वहां पर बोलते हैं परिचय पत्र दो, अब मैं कोई परिचय पत्र लाया नहीं हूं, हिंदू धर्म के लोगों ने मुझे परिचय पत्र देना तो बात अलग रही, उल्टा ऊपर से मुझे बहुत गालियां दी कि तुम हिंदू धर्म का प्रचार करने जा रहे हो, समुद्र पार कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तो मेरे पास परिचय पत्र नहीं है, मैं कैसे विश्व धर्म सभा में भाग लूंगा? तब जॉन हेनरी राइट ने कहा, प्रोफेसर ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, स्वामी टू आस्क क्रेडेंशियल्स फ्रॉम यू इज लाइक आस्किंग द सन एज टू व्हाट राइट इट हैज टू शाइन ऑन द अर्थ। स्वामी जी आपके पास से परिचय पत्र मांगना इतना ही मूर्खतापूर्ण बात है जितना कि हमको सूर्य के सामने पूछे कि तुझे चमकने का क्या अधिकार है। अरे आप यदि नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं परिचय पत्र दूंगा। और फिर उन्होंने, डॉक्टर हेनरी बैरोज थे उस समय जो सर शिकागो धर्म सभा के पार्लियामेंट रिलीजन जो हो रहा था उसके जो चेयरमैन थे,
उन पर पत्र लिखा प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने, परिचय देते हुए कहा स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा, हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नेड देन ऑल अवर प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। मैं ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो इतना विद्वान है कि सारे हमारे अमेरिका के जितने विद्वान हैं उनकी विद्वता को एक कर लो तो भी उनकी विद्वता अधिक विद्वता, ऐसे विद्वान को मैं भेज रहा हूं। ये परिचय पत्र मिला। बाद में शिकागो विश्वविद्यालय सभा में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने स्वामी विवेकानंद को भारत से भेजा नहीं था हिंदू धर्म के लिए, वो तो स्वामी विवेकानंद थे। और वहां पर उन्होंने जो हिंदू धर्म की बात की, ऐसे हिंदू धर्म की बात नहीं की जो छुआछूत में विश्वास रखता है, ऐसे हिंदू धर्म की बात नहीं की जो समुद्र यात्रा पार करना निषिद्ध समझता है, ऐसे हिंदू धर्म की बात नहीं की जो अपने गरीबों का गला घोटता है, ऐसे हिंदू धर्म की बात नहीं की जो निम्न वर्ण के लोगों को की परछाई को सहन नहीं कर सकता है। उन्होंने जो हिंदू धर्म की बात कही वो वेदांत पर आधारित, वह वेदांत का दर्शन। आप हिंदू धर्म पर उनका निबंध पढ़िए शिकागो धर्म सभा में, क्या उन्होंने सारे फिलोसॉफी को वहां पर एक छोटे से उस हिंदू धर्म के प्रति उनका जो निबंध पढ़ा था उसमें सब डाल दिया उस शिकागो धर्म सभा में। पर ये धर्म की स्थापना के लिए शिकागो धर्म सभा में गए थे। जो ईश्वर थे उन्होंने इस बार तीन रूप धारण किए, और किस प्रकार से तीन रूप धारण करके इन सब राक्षसों का वध किया, धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की हमारे इस युग में रामकृष्ण के रूप में और माँ शारदा के रूप में, स्वामी विवेकानंद के रूप में। तीन क्यों उनको तीन रूप ग्रहण करना पड़ा? क्योंकि इस समय की जो समस्याएं थी अत्यंत जटिल थी। हमारे इस युग के जो राक्षस थे अत्यंत आक्रामक थे। हमारे इस युग का जो आतंकवाद था वो अत्यंत विचित्र प्रकार का था। बहुत प्रकार से यहाँ पर समस्या इतनी अधिक जटिल हो गई थी कि भगवान को एक रूप में नहीं तीन रूप में आना पड़ा। किस रूप से उन्होंने विभाजित किया और किस प्रकार से वे अवतार उन्होंने ग्रहण किया और किस प्रकार से उन्होंने राक्षसों का वध किया, इसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे 9:30 बजे। आज यहीं पर समाप्त।